रे क्या चीज होती है? रे इज द पाथ ऑफ लाइट विच मूव्स फ्रॉम लाइट सोर्स, जैसे सन से निकली और ये तब तक सीधी चलती रहेगी, विच मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट्स सम ऑब्जेक्ट। तो अगर सन से कोई रे निकली और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो जब इस पे हिट कर देगी फिर अपना रास्ता बदलेगी। तो ये रे, रे इज पाथ ऑफ लाइट। रे क्या है? पाथ ऑफ लाइट विच मूव्स फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, ये कहां से निकलती है? एंड मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट्स सम ऑब्जेक्ट। रिपीट करो। रे इज अ पाथ ऑफ लाइट विच कम्स आउट फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट एंड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट्स एन ऑब्जेक्ट। रिपीट करो। देखो फिर से समझो, किरण प्रकाश का वह पथ है जो किसी ऊर्जा स्रोत से निकलता है और तब तक सीधे चलता है जब तक वो किसी वस्तु से टकरा ना जाए। अर्पित बोलिए। Which comes out from light source, वो कहां से निकलता है? Comes out from light source and moves in straight line until it hits some object. Repeat करो। Sir, ray is a path of light. Sir, they are which comes out from a source and sir move in straight line until it hits some. बहुत अच्छा। Ray is a path of light which come out from light source light source. क्योंकि सन से निकल रही है तो ये रे हुई कि नहीं? अब जरा देखो कि दोज रे विच ऑन मूविंग फॉरवर्ड आर इक्वी स्पेस, हैव इक्वल स्पेस, ना वो दूर जाए ना पास आए, ऐसी बहुत सारी रेज, दोज रेज विच ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, मेंटेन द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पैरेलल रेज। उन्हें क्या कहेंगे बताओ? देखो, दोज रेज विच ऑन मूविंग फॉरवर्ड, जो अगर आगे बढ़े तो क्या करें? Maintains the same distance between them, अपने बीच में उतनी दूरी रखें, maintains the same distance
बिटवीन देम ज्योति उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड पैरेलल रेज. नाउ शौर्य व्हाट इज प्लेन मिरर? चलो कोई बात नहीं. आयुषी सर द मिरर फ्रॉम विच द पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग रिमेन्स पैरेलल इज कॉल्ड पैरेलल रेज. बोला वो लाइन नहीं है वो रेज पैरेलल रेज. ठीक है सो द मिरर ठीक है फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड रेज रिमेन्स पैरेलल. इफ इंसिडेंट रेज फॉल्स पैरेलल ऑन प्लेन मिरर देन इट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल. तो सच मिरर्स आर नोन एज प्लेन मिरर. अब हम देखेंगे अदिति व्हाट डज इट मीन बाय इंसिडेंट रे. अगर हम मिरर के टर्म्स में ले वैसे तो कहीं पे भी कोई गिरेगी तो इंसिडेंट ही है लेकिन बहुत प्लेनली बोले तो द रे विच फॉल्स ऑन मिरर. जैसे अगर कुछ बनाए एक डायग्राम तो यहाँ जरा देखो ये परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रे. ये देखो ये इंसिडेंट रे हो गई. अच्छा फिर देवव्रत ये बताइए ये तो इंसिडेंट रे हो गई इंसिडेंट रे और आप मुझे दो चीज बता दीजिए. एक तो ये बता दो कि ये कौन ये क्या सरफेस है इसका क्या नाम यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और एक और चीज बता दो ये पॉइंट क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या है एक चीज और बता दो बस ज्यादा नहीं पूछो. करेक्ट आप भी बोलो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सिर्फ एक चीज और बता दो शौर्य तुम ही बता रहे हो आज सारी चीज ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो पहले लिखो द रे विच फॉल्स ऑन ए मिरर इज कॉल्ड बोलो पूरा बोलो इंसिडेंट. द रे विच फॉल्स ऑन मिरर इस कॉल क्योंकि तुम्हारे ही नाम का चैप्टर है सौर्य से ही सूर्य बना है और सूर्य से प्रकाश है. सब लोग तुमसे प्रेरणा ले रहे पूरी क्लास आज. तो द रे विच फॉल्स ऑन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. अच्छा फिर ऐसी बात है तो ये बता दो व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे बताओ. हाँ बोलो द रे विच बाउंसेस बैक फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है किसी को तो शौर्य की ओर देख लो तुम्हें खुद सब कुछ आ जाएगा. दैट इज द रे विच बाउंसेस बैक. फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी देख लो. अगर हम देखें ये रिफ्लेक्टेड रे होगी कि नहीं. जो सौर्य है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और जो मयंक है यानी चंद्रमा वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. ये इसकी रोशनी से प्रकाशित हो रहा है. मयंक तो चंद्रमा होता ना तो ये किसकी रोशनी से सौर्य की रोशनी से.
तो जब उसकी रोशनी इस पर पड़ती है फिर मैं मयंक को देख पाता हूँ, और जब सूर्य नहीं होता तो मयंक दिखता ही नहीं, वो अमावस्या हो जाती है। देखो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब हम अगली बात करेंगे सृष्टि। What do you mean by angle of incidence? Angle of incidence क्या होता है? The angle between incident ray and normal point of incidence. पूरा तुमने बता दिया, इससे अच्छी कोई definition नहीं हो सकती। The angle between, मैं इसी को repeat करवा देता हूँ, repeat करो जो बोला। Angle of incidence definition दो। लक्षिता। Sir, the angle between incident ray and the point of incidence. ऐसा नहीं हो सकता, बोलो। So the angle between incident ray and the point of and normal. Normal. At the point of incidence. है ना? At the point of incidence नहीं भी बोलो तो चलेगा, लेकिन normal बोलना जरूरी इन दोनों के बीच का एंगल। It is called angle of incidence. Now, so लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, आधा सेंटेंस कंप्लीट करो। इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ incidence is called angle of incidence. चलिए now श्रेया angle of reflection की definition दे। The angle between reflected ray and the normal ray is called normal ray को थोड़ी ना sir normal point of incidence बोलो। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे परावर्तन कोण कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर, जबकि ऊपर वाला इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। अब देखो तो पहला लॉ क्या है देवव्रत, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जरा बताओ तो। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, ये बता दे, इसे देख के बता दे फिगर से। लॉ ऑफ आगे बताइए जरा, परावर्तन के क्या क्या नियम है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज है, बोलो। सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। वही एक ही बात है, बुक में लिखा हुआ है, लिख दो। So angle of incidence is always equals to the angle of reflection. देखो बोल्ड लेटर में लिखा है, पढ़ो जरा। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. मेरा कहने का मतलब है मयंक, यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, इसके 30 होने से 30 हो गया। यानी कहा जाए कि एंगल आई किसके इक्वल है, बोलो बात समझ आ गई। एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, ये 30 होने से 30 हुआ। अगर तुम आई को बढ़ाओगे तो क्या आर भी बढ़ जाएगा, यानी ये दूर करती जाओगी तो वहां पर वो भी दूर होती जाएगी, और पास कर दो तो ये भी पास हो जाएगा। समझ आ गई बात की नहीं? अच्छा आइए बता दो और सृष्टि। इफ रे फॉल्स अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर, इसी पे ऐसे चली जाए तब कैसे आएगी? देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, देन इट बाउंसेस बैक अलोंग द नॉर्मल, जो सीधे जाए
तुम चाहे तो बॉल मार के देख लो, तुम्हारे ही मुंह पे लगेगी। तो इस तरीके से जो समझ आई बात की नहीं ना, अब देखो अपनी तरफ कर लो अगर कोई दिक्कत है तो। इंसिडेंस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंटरसेक्शन कुछ यहाँ नहीं है, और जहाँ पे स्ट्राइक करती है उसी वही वर्ड पढ़ो। अब जरा देखो कितनी बात हो गई। नाउ दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और दूसरा लॉ क्या है बताइए। ये तीनों एक लाइन में होंगे, मान लो ये आई, ये चली गई, ये नॉर्मल, तो क्या तीनों एक प्लेन में है। देख लो आने वाली रे, जाने वाली रे, और साथ में तीसरी चीज क्या बताई गई, नॉर्मल, वो तीनों एक लाइन में लाई करेंगे। ये देखो ये दो हो गई, आने जाने, आई चली गई, और ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ। तो ये जो तीन चीजें हैं ये कैसी होंगी, ये देखो एक प्लेन में लाई कर रहे कि नहीं, तो दे लाई इन सेम प्लेन। रिपीट करो जरा सेंटेंस। लिखो इस चीज को, ये भी तुम्हारी बुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा है, देखो तीसरे पेज पे। सर उधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में एट द वो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों आया, वहां पे रिफ्लेक्शन आना चाहिए। हां जो दैट इज इफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और वही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, तो इसी के नाम से ही जाना गया है। वही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वही ही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। तो तुम इसे किसी एक नाम से बुला लो, चाहे तो इसे जहां पर गिरी रहे या जहां से बाउंस बैक हुई, तो बुक ने एक नाम से पुकारा है, लेकिन तुम चाहो तो दोनों में से एक ही नाम रखना लिखें, या तो इसे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकती हो क्योंकि यहीं से तो जाएगी, और या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेकिन दो नाम लेने से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे आयुषी दो नाम बता रही, कहीं ये दो पॉइंट तो नहीं है, है वो एक ही पॉइंट, जहां बॉल गिरी वहीं से तो टप्पा खा के वापस उछली, ये और कोई पॉइंट था कि गिरी यहां और टप्पा यहां से खाई तो बीच में क्या धरती के अंदर से गुजरी, नहीं ना। तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी पॉइंट ऑफ नॉर्मल, बोलो बात सही है। सेकंड लॉ फिर से रिपीट करो जो सृष्टि ने बताया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हर चीज सॉरी आज ठीक बता रहे, तुम बोलो। बहुत अच्छा, इंसिडेंट रे ना कि एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है। देखो इस चीज को, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई, ये किस पे करते हैं, एट सेम प्लेन। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई एट सेम प्लेन। अब देखो कि आपको डिफाइन करना है रे, देन पैरेलल रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो लॉ हैं, देखो तो अपनी बुक का वो डायग्राम।
ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ देखो ये क्या चीज दिखा रहा है। यही है तो इसका मतलब है कि हमें अगर किसी जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, देखो बुक का एक डायग्राम है, तो बुक का डायग्राम है 16.2 देखो, ठीक है। तो 16.2 में क्या दिखा गया है कि मान लो ऐसे रख दें तो क्या हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं, चेक करो बुक में, तो ऐसे बनाया है कि नहीं, उसको सेट स्क्वायर कहते हैं। तो अब यहाँ से देखो ऐसे ही हो गया, और 16.2 देख रहे हो अपने बुक का डायग्राम, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या नॉर्मल हो जाएगा। तो हाउ द नॉर्मल इज ड्रॉन बाय यूजिंग सबके ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर तो होता ही है, तो सेट स्क्वायर से हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। दोनों अब जैसे मेजर्स तो लिखे हैं, लेकिन तुम 90 डिग्री बनाने के लिए इसका यूज करोगे, इसी का तो यूज करोगे, तो जब ये रख लोगे तो रखने से क्या होगा बताओ, रखने से 90 डिग्री ड्रा कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये देखो 90 डिग्री ड्रा हो गया। तो आपसे आपके रूप में दिया कि हाउ वी कैन ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बाय यूजिंग सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉ नॉर्मल। देखो अब आगे देखो, अगर इधर उधर से कोई मतलब नहीं, अब तुमने इतना काम कर लिया, अब देखो जहां पे तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना वहां पर अब इंसिडेंस रे डालो, जहां नॉर्मल ड्रॉ किया है वहां पे क्या करो, देखो जरा। तो नो ड्रॉ इंसिडेंट रे एट नॉर्मल, तो मैं ऐसा करूं एक प्लेन मिरर रख लूं, और प्लेन मिरर में देखो ये प्लेन मिरर हो गया, और अगर मैं इस पॉइंट पे ये डालूं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या उतनी ही डिग्री पे जा रही है, जरा ध्यान दो। और अगर मैंने इसको कम कर दिया तो ये एंगल भी कम हो गया, और अगर मान लो इसको मैंने इसी पे डाल दिया, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स, ये किस पर फॉल करे, अब ये तो हमारा थोड़ा तिरछा है लेकिन सही से समझो, इसी पे जाए तो इसी पे आएगी कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, ये बात तो पता चल गई आपको। अब आगे देखो यही डायग्राम बना है 16.4 में, ऐसे ही वो रे डाल रहा है, तो रे डालने के लिए उसने रे बनाने के लिए जानते हो क्या किया है, उसने एक पेपर में बीच में ब्लेड से काट दिया और टॉर्च डाला तब रे बन गई। भाई सबके पास तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये 150 रुपए का आता है, इतना कौन महंगा खरीदे, तो उसके लिए फिर तीन, इसके लिए तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, एक पेपर लो और पेपर में क्या करो बीच में ब्लेड चला दो और उधर से टॉर्च लो, देखो ऐसा ही बुक में किया क्या, तो है बात कि नहीं, ये पेपर है, पेपर से ये ले आ रही है, तो इससे क्या होगा फिर हम ये काम करें। तो दिस इज एक्टिविटी 16.4, जो बुक में एक्टिविटी 16.4 है उसको आप इसमें भी देखो आपको और ज्यादा। देखिए कुछ ध्यान से समझ में आ रहा है बुक में कि नहीं समझ में आ रहा है कि वैसे बना दिया उन्होंने और उसी को वो कर रहे हैं। लेट अस सी, नाउ सो
एक्टिविटी 16.4 क्लास 8 साइंस। लेट अस सी तो वॉट वी आर डूइंग, हमने क्या करा इस टॉर्च को और इस कॉम्ब को एक स्टडी अपना हिलाना नहीं है, काम मैंने क्या करा उस रस्ते के बीच में समझ में आ गया ना कि कैसे किया गया है। नाउ तो ऐसे हमने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, फिर वो कम ज्यादा करके एंगल ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे रे आ रही है। ओके नाउ अब आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, अब हम लोग एक बहुत बड़ी चीज देखने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ, ये देखो कि अब यहां पर मान लीजिए इस पेज में ये मैंने डॉट बना दिया, तो डॉट बनाने पर ठीक है इसका इमेज बनना चाहिए, तो देयर शुड बी सम इमेज फॉर्मेशन बाय दिस डॉट। सो लेट अस सी। तो क्या इस मिरर में इसकी इमेज दिखेगी? तो देखो तुमको दिख रही है इसकी इमेज? यस सर, दिख रही है। तो इस चीज को हम देखेंगे क्यों दिख रही है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस मिरर से जितनी आगे डॉट है उतनी ही पीछे इमेज है? देख लो, क्या उसी साइज की भी है? यस सर। देख लो, उतनी दिख रही है जितनी आगे उतनी पीछे है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, सो एज द ऑब्जेक्ट इज, जितना ऑब्जेक्ट आगे है इमेज उतनी ही पीछे होगी। बोलो बात सही है? तो इसलिए देखो, जैसे यहां पे देखो तो इमेज क्या उतनी डिस्टेंस से बनेगी। दूसरी चीज कि अब मान लो कि अगर हमने एक तो है कि डॉट देख लिया और हम ये देखो, एटम, अब एटम को जरा इस मिरर में तो देखो क्या लिखा है, मोटा। इसका मतलब है एटम देख रही हो क्या लिखा है, मोटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिख रहा है, दिखा ना है कि नहीं? तो जो हमारा लेफ्ट है वो इसमें राइट में, और राइट कैसा दिखता है लेफ्ट में देखो, दिखा कि नहीं तुमको, इसमें क्या दिख रहा है, मोटा दिखा। ये देखो एटम तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि दैट इन मिरर द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। कैसा होगा, क्योंकि m इसके पास है तो वहां भी तो m ही इसके पास हुआ कि a पहले लिख के देगा। देखो ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें देखेंगे ये हुई क्यों। दो चीजें, सो पहली चीज हम देखेंगे दैट इज इमेज फॉर्मेशन। जरा देखो कि ये एक हमारे पास मिरर है, सो इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर। लेट अस सी, जैसे एक पॉइंट है आगे, तुम मुझे बताओ एक पॉइंट से कितनी रेज निकल सकती है ज्यादा से ज्यादा?
मिलियंस ऑफ रेज इनफाइनाइट, लेकिन हम दो रेज लेंगे, एक ये ले ली और एक और कौन सी ले ली, सीधी ले ली। अच्छा बताओ जो रेज सीधी जाएगी वो क्या लौट के उसी रास्ते पर आ जाएगी? अभी देखा ये जो रे गई है तो इस पे यहां नॉर्मल डालो और जितने एंगल पे गई है क्या उतने ही एंगल पे लौटेगी? ये आई कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? तो क्या जो आई होगा वही आर होगा? तो ये हमने आर बना दिया, क्या वही लग भी रहा है तुम्हें कि उतना ही है? तो ये आर है। अच्छा ये रे तो इधर ही लौट आई, देखो लौटती दिख रही कि नहीं, एरो दिखा कि नहीं, तो ये आई। अच्छा एक रे ये आ गई वही पे, क्या ये दोनों एक ही पॉइंट से निकली थी? तो अगर मान लो जैसे एक रे है ये डॉट है, इससे क्या बहुत सारी रे निकलती हैं? अच्छा बहुत सारी रे निकलती हैं, तो तुम्हारी आंखों पर जब ये बहुत सारी रे पड़ती हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जहां से रे आ रही होगी वही तो डॉट है? तो हम जो रेज मेरी आंखों पर पड़ी हम उसी को पीछे मिला के देख लेते हैं वो डॉट है, उसी से तो निकली। अब यहाँ पर भी एक आदमी के पास एक ये रिफ्लेक्टेड रे आई और एक ये रिफ्लेक्टेड रे आई, तो वो आदमी सोचेगा देखो ये आई और ये रिफ्लेक्टेड है कि नहीं, देखो यहाँ आगे बढ़ा दी। अब वो आंख छोटी नहीं है, आंख बहुत बड़ी है, तो जब ये दो रे आई तो आंख सोचेगी कि भाई प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है तो ये यहाँ आई है तो जरूर यहाँ कहीं पीछे से आई होगी। वो आई ये नहीं सोच पाएगी कि यहां से आई है, फिर मिरर पड़ा होगा, टकराई होगी, घूमी होगी। अवर आईज कैन इजिली बी चीटेड, हमारी आंखों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वे हमेशा से ये सोचती आई हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, तो अगर वहां से लाइट आ रही है तो वो सोचेंगी यहाँ कहीं से पीछे से आ रही है, यहां से भी आ रही तो भी वे क्या सोचेंगी, यहां पीछे से आ रही तो जितना आगे उतना पीछे वो सोच लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? वैसे अगर इस लाइट यहां से तीसरी भी रेस चली, अजीत ने कहा भाई मिलियंस ऑफ रेस चलती हैं, तो हमने कहा देखें तीसरी भी चेक कर लें क्या वो भी वही मिलेगी, तो चेक तो करो। तो मान लो अगर यहां पर तीसरी रे आई तो हमने एक नॉर्मल बना दिया और फिर उसको यहां लौटाया, लेकिन तुम देखोगे कि उसको भी पीछे मिलाया जाए तो आप तो सोचेगी पीछे से कहीं से आया होगा, तो इमेज बन जाएगी। सो दैट इज इफ वी रिट्रेस द रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक ये नंबर दो नंबर तीन, ये तीन इंसिडेंट रे हैं, नंबर वन इंसिडेंट रे, नंबर टू इंसिडेंट रे और नंबर इसी तरह से तीन रिफ्लेक्टेड भी तो हैं, इन तीनों को मैंने पीछे मिलाया, देन उसे क्या कहेंगे, देन द उसको कहेंगे इमेज इज फॉर्म। तो इमेज एक्चुअल नहीं होती है, आई मीन इमेज हमेशा क्या होती है, इसको परसीव की जा सकती है। ये बात समझ आई कि नहीं? और इतनी बात समझ आ गई? सो कुछ इमेज ऐसी भी हैं जो हम किसी पे ले सकते हैं, कुछ ऐसी इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, लेकिन इमेज के बारे में तुम्हें पता चली गया कि इमेज क्या होती है, लेट अस सी। तो तुमको यहाँ कुछ दिख रहा है? सर मिरर के पीछे से लाइट का छो उसको दिख रहा ऊपर से देखा। अब देखो का मैं सिखा रहा हूँ, धीरे 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 तो सीखोगे। ऑब्जेक्ट का जो ऊपर निकली वो क्या है, इमेज। सो जहां रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिले
एक्चुअली भी मिल सकती हैं और या फिर क्या हो सकती हैं, और इफ इट इज रिट्रेस्ड तो उस चीज को इमेज कहते हैं। आया अंदर कुछ? असली का ऑब्जेक्ट अंदर है और जो ऊपर देखी हुई है। चल नाउ लेट अस सी। तो पहली बात क्या हुई कि नाउ सो इमेज क्या होती है, द रेस कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट सोर्स, पॉइंट है आइदर मीट, या तो वे वास्तव में मिल जाएंगी, उससे बहुत सारी रेस निकलेंगी, या तो वे वास्तव में मिल जाएंगी और दे मीट वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब है आभासी, मिल नहीं रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और दे मीट वर्चुअली और दे मीट इफ दे आर रिट्रेस्ड बैक, अगर उन्हें पीछे मिलाया जाए तब मिलेंगी। सो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू मिरर इज कॉल्ड इमेज। उसके नीचे मिरर ही था जो मैंने आपको दिखाया, तो उसके जो रिफ्लेक्शन है, सो दीज रिफ्लेक्शन विल मीट समवेयर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर वो मिल रहे कि नहीं, एंड इट इज कॉल्ड इमेज। सो रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं आर मीटिंग समवेयर बिहाइंड द मिरर इफ दे आर रिट्रेस्ड बैक, अगर उन्हें पीछे खींचा जाए तो वो कहीं पर मिल जाती हैं, एंड इट मिमिक्स लाइट, और ये हमको ऐसा आभास करती है कि ये ऑब्जेक्ट ही है, कैसा आभास कराती है कि वो ऑब्जेक्ट, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड इमेज। समझ में आ गई बात? तो लिखो कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है, कि इफ देखो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट, या तो एक्चुअली मीट करेंगी, ठीक है, अगर एक्चुअली मीट करेंगी या तो एक्चुअली मीट करेंगी और मीट बिहाइंड द मिरर, लेकिन बिहाइंड जो मिरर है क्या वहां कोई रेज जाती है कि नहीं जाती है, मिरर से तरह टकरा के पीछे अंधेरा होता है क्या मिरर के, वहां तो कोई किरण नहीं जाती ना, तो और दे मीट बिहाइंड द मिरर, हेलो श्री, हाँ जी हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए, हाँ देखो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट और मीट बिहाइंड द मिरर इफ रिट्रेस्ड बैक, ये रिट्रेस किया जाए, इफ रिट्रेस्ड बैक इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इमेज। एक्चुअली देख लें कि वास्तव में जो रेज होती है, कुछ ऐसे भी मिरर्स होते हैं कि जो रेज को क्या करते हैं, एक्चुअली भी मिला देते हैं, जैसे ये देखो कि पास, तो मान लीजिए
की तो ये हमारे पास कोई लाइट सोर्स हो गया, ठीक है, अब इससे लाइट आई, और अगर बिल्कुल यही चीज मिल जाए जो इसके अंदर का, तो ये एक्चुअली मीट कर गई। जिसको हम स्क्रीन पर ले सके वो रियल इमेज है, जिसको स्क्रीन पर ले सके वो क्या है ना समझ में आता, ट्यूबलाइट देखो, बिल्कुल ट्यूबलाइट वो ऐसी ही दिखेगी और उसका बिल्कुल रॉड और सब चीज दिख जाएगा, देखो दिखाते हैं, ठीक है, तो वो रियल इमेज क्या होती है बताइए, आगे कि नहीं, और भी नहीं है तुमने तो बाहर के पेड़ दिखाते हैं, हर चीज आपके लिए और कलर के साथ दिखाते ये है, ये तो इसमें कुछ इमेज एक्चुअली का मतलब दिखाएंगे कैसे मिले, लेकिन आप इमेज देखो, तो अगर इसमें हम ये दिखा रहे पूरा बाहर के पेड़ के साथ अभी दिखेगा, आज धूप कम है थोड़ी ना, लेकिन आपको पेड़ दिखे थोड़ा और पीछे चले वो भी लाइट बन कर, तुम्हें कुछ दिख रहा है पीछे के पेड़ कलर के साथ ही ना, अभी और अच्छा दिखाते हैं, रुको जरा रुको रुको, अभी आया नहीं है सिस्टम में, कलर के साथ आएगा बिल्कुल अच्छा आएगा, हो सकता है ये इतना साफ ना हो, तो अभी जरा आपको भी दिखा दें, ये देखो अगर ये बाहर का सब पूरा पूरा आ रहा है, तो इस चीज को और इसकी सही पोजीशन कर दी जाए तो बिल्कुल हर चीज दिखे आपको, देखो ये कुछ भी दिख सकता है, बाहर का चीज दिख रहा है कि नहीं, इवन ये कपबोर्ड है, कपबोर्ड के ऊपर का भी दिख रहा है, तो हर चीज बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो तो आपको पूरा इमेज दिखेगा, ठीक है, ये देखो, तो अभी फिर से देखते हैं, मान लीजिए ये देखो, आप लोग भी देखो कि जिसको हम लोग इस पे ले सकें तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज ये देखो और पीछे दिखाएं, तो ये देखो जिसको इस पे लिया जा सके, दिखा कुछ कुछ दिख रहा है ना, ये लाइट सब बंद कर जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा दिखेगा, लेकिन पीछे की जल नहीं है कोई बात नहीं, तो जो इसमें लिया जा सके दिखने लगे ही पेड़ को, देखो अगर प्रॉपर अंधेरा हुआ है तुम्हें आसमान नीला दिख रहा, कुछ भी देखा जा सकता है, देखो सब पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं, दिखे तो जो लिया जा सके किसी स्क्रीन पर उसे रियल इमेज कह सकते हैं, क्या कहते हैं, वॉट एवर कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, फिर से देख रहे हैं, रोशनी की बात है ना, लाइट ज्यादा पड़ रही है, कोई बात नहीं, हम ऐसे दिखा दें आपको तो यहाँ से कुछ ठीक दिख रहा है, असली बात ऐसा दिखाएं कि बिल्कुल बढ़िया दिखे, नहीं चल ये देखिए जला ली, तो अब हमें देखना है कि जो किस में लिया जा सके स्क्रीन पे उसे रियल इमेज कहेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे डायग्राम से, लेकिन पहले रियल तो पता चले कि रियल होती क्या है, तो जो स्क्रीन पे ली जा सके उसे क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे, इफ इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, क्या तुम्हें रियल इमेज दिख रही, लेकिन रियल होगी तो क्या ऐसा तो नहीं सोचे कि उल्टी होगी, करेक्ट, आप सही सोच रही हैं, है उल्टी, है मजेदार, फिर से देखो आप लोग भी देखें, जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी जरा चेक तो करो, ये देखो ये। तो
तुमको क्या लग रहा है कि ये उल्टी इमेज बन रही है कि सीधी दिख रही है? बताओ, आप लोग भी देखना चाहते हैं, ये देखो। तो जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी, ये देखो, सही है। तो रियल इमेज कैसी मिली आपको बताओ? इफ इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट है, और जो इसमें मिली वो क्या है, इसकी इमेज। सो एक, और तुम्हें इसके अंदर से भी क्या दिख रहा है बताओ? इसके अंदर भी दिख रहा है एक लो, लेकिन अगर मैं इसको कितनी भी जान लगा लूं वो नहीं ली जा सकती इस पे। देखो कितना भी करें कुछ ले पा रहे, क्यों? क्योंकि रेस जो है इससे लौटने के बाद आगे फैल गई है। तो बोलो क्या इनके इधर मिलने की कोई उम्मीद है? प्लेन मिरर तो रेस को क्या कर देता है, फैला देता है। जब आगे रे मिलेंगी ही नहीं तो बोलो ये फ्लेम तुम्हें दिखेगी जहां मिलेंगी? अब वास्तव में ये रे मिल कहां रही बताओ? पीछे। अब पीछे मैं पेपर लगा दूं तो पीछे कुछ आएगा क्या? क्योंकि इसको तो पार ही नहीं कर सकती रेस। तो जो रे एक्चुअली मिले ही ना वो वर्चुअल इमेज कहलाती है, जो वास्तव में मिले ना, विच आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स वाइडर अपार्ट, वो क्या हो जाए बताइए? अगर दूर चली जाए तो क्या वे इमेज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर से देखिए, मान लीजिए जो इससे, देखो क्या अगर इससे मैं इमेज बनाऊं तो क्या तुम्हें लगता है ये क्लोज आ रही है? तो इस मिरर में वो क्षमता, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है तीनों मिल जाएंगे? देखो मिलती हुई दिख रही है, शौर्य मिलेगी नहीं? तो जो ये हमारा मिरर है, सम मिरर्स वाइल आफ्टर रिफ्लेक्शन मेक्स द रेस क्लोजर, वे क्या करते हैं, देते हैं रेस को क्लोजर एंड फॉर्म रियल इमेज। लेकिन जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या करता होगा, अब पैरेलल को पैरेलल करेगा तो क्या आगे मिलने देगा? तो नहीं मिलने देगा। और कुछ तो ऐसे भी कलम ने दिखाते हैं दूर दूर भी कर देते हैं। तो इफ रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट सम पॉइंट देन दे फॉर्म रियल इमेज, इफ दे बिकम वाइडर अपार्ट दूर चली जाए देन दे विल मूव बैकवर्ड, क्योंकि हमारी आंखें को रिट्रेस करेंगी, और ऐसी इमेज को क्या कहेंगे? ये इमेज आयुषी बताओ रियल है कि वर्चुअल? क्योंकि मिरर के पीछे कागज लगा दो, यही मिल रही है, लेकिन क्या यहाँ पे रे पहुंच भी नहीं है? रे तो बाउंस बैक हो गई। तुम सोचो अरे मिरर के पीछे जाओ, छुप छुप के जाओ और वहां कागज लगाओ, देखना खूब रोशनी हुआ, कुछ नहीं होगा, अंधेरा होगा, जाके देख लेना अपने घर के मिरर के, उसके पीछे सूरज दिखाई भी नहीं देगा। जब वहां रे पहुंची ही नहीं तो क्या वहां कुछ दिखेगा? तो रेज रिफ्लेक्शन के बाद फैल गई तो पीछे मिली, इसका मतलब पीछे ही तो मिलाओगे, जैसे रे ऐसे दूर दूर जा रही है तो तुम्हारी आंखें सोचेंगी हाँ ये पीछे से कहीं से आई होगी। आंखों को तो धोखा दिया जा सकता है ना, क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने सोचा है रे तो सीधी रेखा में चलती है, तो वो सोचेंगे यहाँ पीछे से मिल रही है। सो बट दैट काइंड ऑफ इमेज विच वी गेट आफ्टर रिट्रेसिंग, पीछे मिलाने से मिले, वो कैसी इमेज होगी? और जो एक्चुअली मीट कर जाए, रियल इमेज कैसी होती है, क्या उसे स्क्रीन पे ले सकते हैं? क्या वे उल्टी होती है? ये बहुत अच्छा बताया, ये इन्होंने कहा, देखो सिर्फ शौर्य नहीं बताया उल्टी होती, क्योंकि उन्होंने देख ली थी कि जो इस पे फ्लेम बन रही थी वो उल्टी थी। हर चीज सिर्फ शौर्य ही ठीक बता रहे हैं। और जो वर्चुअल है वो क्या इरेक्ट है क्या? इस पे फ्लेम सीधी दिख रही क्या? तो बोलो वर्चुअल इमेज, तीन चीज बोलना है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, उसे स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। तुम इसको ले सकती हो, कहीं भी लगा लो कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर देख लो ये आद्या का चेहरा है, दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा, दिखाई पड़ा तो उसको हमारा ही चेहरा नहीं दिखा सकता, नहीं, क्योंकि रे तो बाउंस बैक हो गई। तो तुम्हें क्या पता चला? देखो तीन चीज बोलना है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन एंड इट इज इरेक्ट, इतना बोलो पहले। रियल के बारे में बोलो, रियल इमेज कैसी होती है बोलो ज्योति? कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन एंड इट इज इन्वर्टेड, रिपीट करो पूरी चीज। बोलो Inverted,
taken on screen. और बोलो virtual image cannot be taken on screen. Virtual image cannot be and it is समझदार है virtual image तो लेटरली से भी मतलब नहीं, लेटरली में तो एटम कम होता है, वो प्लेन मिरर की खूबी है, सबकी ये खूबी नहीं है, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ। अब प्लेन मिरर के बारे में तुम्हें पता चल गया, प्लेन मिरर में क्या वर्चुअल इमेज बनेगी कि रियल? बहुत अच्छा, ये सीधी होगी कि उल्टी? क्या ये सेम साइज की होगी या छोटी बड़ी? क्या ये उतनी दूरी पर होगी जितने पे ऑब्जेक्ट है? तो अब पांच चीजें बोलनी है, प्लेन मिरर बुक में भी लिखे वो पांचों पॉइंट, देख लो अगले पेज पे। तो क्या बताया पांच पॉइंट कि प्लेन मिरर फॉर्म्स, सुनो देवर, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, कैसी बनाता है? ये चार मिरर सीधी भी होती है क्या? तुम्हारा चेहरा सीधा दिखता है प्लेन मिरर? इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, और बात समझ आई? और इसके अलावा इट इज ऑफ सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, बोलो आ गया? अब देखें और कौन कौन बचा है, सबको मिला? नहीं मिला। ओके, इतना ही रखूं फिर आज के लिए, बाकी कल देखेंगे, ठीक है? नहीं मिला की प्रॉपर्टी।